राम राम सर जी। राम राम। राम राम शिवराज जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आनंद है। अभी तो खुशियों की बौछारें हैं सर, एक से बढ़कर एक, रोज नई नई खुशियां मिल रही है सर बहुत बढ़िया सर। देखो, आप जी। खुश हैं ना, तो हम अपने आप खुश हो गए। और हमारी खुशी का कारण सिर्फ हमारे किसान मित्र है, जो फसल बेचकर इनके चेहरे की जो मुस्कान आ रही है अभी, और जिस जी प्रकार देखो से मुलाकात कर रहे हैं मंडियों में, आनंद ही आनंद है सर अभी जी, जी पर सीधी सी बात है, बहुत बहुत मैं आपको कई 100 साल पुरानी बात बताता हूँ। ये प्रथा, ये मुहावरा, ये कहावत तब से चली आ रही है, जिस जी देश का किसान खुश होगा, जिस जी देश का किसान समृद्ध होगा, उस जी देश में नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब जी कि चपरासी से सरकार एक प्रधानमंत्री के उच्च अधिकारी तक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक खुश रहेंगे। तो जब किसान के चेहरे में खुशी आती है ना जी, तो समझ लो पूरे समाज में खुशी आती जी। है। जी तो सर ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? मतलब कहीं बरस हो गए हैं, चाइना लहसुन का जो अनलीगल काम था ये चल ही रहा था, आ ही रहा था, पर ये इस वर्ष जी चमत्कार कैसे हो गया? थोड़ा सा आप खुल के बताइए सर सर, ये सब आप ही लोगों की मेहरबानी है। इसमें आप लोगों ने ट्वीट किए, सब किसान भाइयों ने समझा अपनी पावर। और देखो, दो तरीके होते हैं मनवाने के। हमारे घर में भी जब बच्चे हमारे नाराज होते हैं, तो दो तरीके होते हैं उनके पास, या तो वो लड़े हमसे, मुंह बना के बैठे, या प्यार से हमारे को बोले। तो मैं समझता हूँ प्यार वाला तरीका ज्यादा कामयाब रहता है। जी सही बात है। तो जब किसान भाइयों ने एक तरीके से ट्वीट करने चालू किए जी और स्पीड से ट्वीट हुए, तो जी जी ट्वीट उनको तो हुए पावर थे अपनी समझ आई। आज के युग में जी, सोशल मीडिया से बड़ी पावर कुछ नहीं है। तो बरोबर बरोबर है सर जब उन्होंने उसका सहारा लिया, जी और आप समझे, हजार हजार ट्वीट जा रहे हैं, तो मंत्री लोग थे, तो अपने जी आप ही वो ध्यान देंगे। उनको पता है कि अगर कोई परेशानी हो रही है, और एक असलियत में परेशानी थी, और जी सही जब बात उस पर छापे पड़े, तो समझ आई ये तो रियलिटी में हो रहा है कि लहसुन के साथ नीचे भी इलीगल बहुत सारा सामान आ रहा है। बरोबर कहीं अखबारों में बरोबर बातें आई, कहीं ये लिखी गई कि देखिए इसके नीचे क्या आया, ये हुआ वो हुआ, तो उसके बाद सेक्शन हुआ, उसके बाद उन लोगों ने सदन में उठाया। सही है, क्योंकि वो कितनी बड़ी बात सब थी जी। मध्य प्रदेश सब के किसान भाइयों का और आप लोगों का सहयोग है, तो ये बात बोली गई। सर, सुनने में भले कितना आसान लगे, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं समझिए कि एक लक्षण जिसका कोई लेवल नहीं है, एक इतने बड़े राज्य देश में और इतनी बड़ी संसद में, जहाँ और बहुत ज्यादा बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, जी और वहाँ एक सिर्फ लक्षण के लिए बात सुनी जाए, बोली जाए और सुनी जाए, तो जी किसान बहुत बड़ी बात समझे आगे इसको। मित्रों के तो भर के कमेंट आ रहे हैं, मंडियों में किसान मित्र मिले हैं, तो किसान मित्रों ने कहा कि जितना धन्यवाद हम बंसीलाल जी का करना चाहते हैं, उतना का जी उतना ही धन्यवाद हम जितेंद्र जी खुराना सर, आदरणीय जितेंद्र खुराना सर का भी करना चाहते हैं अरे नहीं सर, मैं तो देखो धन्यवाद तब किया जाता है जब कोई आपसे बाहर हो। मैं तो जी। आप ही के अंदर का, मैं खुद धन्यवाद कहने के लिए आने वाला हूँ बंसीलाल जी को। अच्छा, बिल्कुल पधारिए सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल और इकट्ठे हो गए, निकल चलेंगे फिर उनसे मिलने, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे सर, कृषि मंत्री से भी मिलेंगे और बंसीलाल जी से भी मिलेंगे, और बिल्कुल इकट्ठे हो गए बिल्कुल सब चलेंगे। और मैं तो चाहूंगा जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब चलें, तो जी एक तो समाज को भी पता चलेगा कि इकट्ठे होने से क्या कुछ हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात बोली सर आप। समाज को भी पता चलेगा, और दूसरी सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि जी प्यार से बात रखने से क्या कुछ हो सकता है, सही है कि जब हम लोगों ने इस चीज को अहिंसक रूप से रखा, जी, हम हिंसक रूप से भी रख सकते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ नहीं होना था। अहिंसक रूप से जी रखा तो आपकी कितनी रिगार्ड से वहां बात बोली गई, बात सुनी गई, और उस बात के इम्प्लीमेंट होंगे।
सही है, क्योंकि अपना ही देश है, अगर अपन अहिंसक रूप से करेंगे तो अपने ही देश का नुकसान हो रहा है, अपने ही देश की चीजों का नुकसान हम कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना सर। तो साहब ये हम लोगों की अपनी समझ है जी, कि अपने को अगर कोई बात अपने बड़ों के आगे रखनी है कि हमारे को कोई प्रॉब्लम है, भाई इस देश का राजा उस देश का प्रजा का पिता होता है। जी जी जी। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री उस राज्य का पिता है जी, कृषि मंत्री हर किसान का पिता होता है। जी जी, है ना। तो अब हम अगर उन लोगों के आगे बात रखेंगे तो या तो तमीज में रखेंगे या बदतमीजी में रखेंगे, ये हमारे ऊपर है। तमीज में रखेंगे तो भाई वो अभी नहीं सुनेंगे, दो दिन बाद सुनेंगे, हो सकता है उनका मूड खराब हो, नहीं सुना उन्होंने 10 दिन 1 साल, जब मूड ठीक हुआ तो सुनी और उसके बाद सुनी गई और बात रखी गई और बात का इम्प्लीमेंट हो रहा। जी जी जी। तो सर अपना कार्य कहने में बिल्कुल पीछे नहीं होना चाहिए, लेकिन तरीका होना चाहिए उसका कहने का। जी। और एक और मैं कितना मेरे को धमकियां मिली चाइना के मामले में, कितने लोग मेरे से लड़े, कितने लोगों ने ओपन धमकियां दी। जी। बट बोलने को मैं भी उल्टा बोल सकता था, आप तो कई ग्रुपों में, शिवराज जी मेरे लिए कितना उल्टा बोला गया। बरोबर बरोबर बरोबर। उसके बाद तो हमारे कमेंट आए नीचे कि तुम माहौल खराब कर रहे हो यूट्यूबर मिल के। आप यूट्यूबर्स के लिए बोला गया कि इनको ग्रुपों से हटाया जाए, के माहौल खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, आया था बिका था, और जो सच थी वही चीजें अपन ने बताई थी, पर उस वक्त कुछ हालात ऐसे बने, बाजार डाउन हुआ तो सारा ठिकरा अपने ऊपर फूटा। तो कोई बात नहीं, हमने उसको बुरा नहीं माना ना। जी जी। हम अपनी चाल चलते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। जी। तो हम अगर उनकी बात का उल्टा कमेंट करते या उल्टा बोलते जी, कुछ नहीं होना था, लड़ाइयाँ होनी थी एक दूसरे से, आज वही लोग भाई हैं हमारे, मान लीजिए। तो सर ये अपनी 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 संस्कार है, अपनी अपनी क्षमता है, तो उस हिसाब से आगे वो कार्य करना चाहिए। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है शिवराज जी, आप सबका, यूट्यूबर्स का, जो लोगों ने पूरा एक एक पल की खबरें सबको दी। नहीं तो डाउन करने वालों ने इस बार भी 8 बार कोशिश की टोटल मिला के, इस साल जब रस्ता निकला तब से आप अभी तक बैठना और देखना, पूरे 8वां महीना चल गया, 8 महीने का हिसाब, 8 बार कोशिश की गई लक्षण को डाउन करने की, कभी कोई धूमर निकाल के, कभी कोई कभी कोई, और हर बार ऊपर वाले ने सबको बचाया। ये सब किसान मित्रों के ऊपर परमपिता परमात्मा की परम कृपा है, इस वर्ष 2 सालों में देखने को मिल रही है, तो जी सब कुछ चीजें उनके लिए सही सही होती जा रही है, अपन तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, सब करने वाला ईश्वर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये चीजें आगे भी बहुत अच्छी होंगी, सिर्फ हमने टच में रहना है सोशल मीडिया के, बरोबर हमने टच में रहना है, कहीं कोई दिक्कत निकलती है दिखती है तो हमने सबने इकट्ठे होके उस चीज का जवाब देना है, देना सोशल मीडिया के थ्रू ही है, तरीका समझाया हुआ है। आप लोग पीएमओ को ट्वीट करिए, आप कृषि मंत्रालय में ट्वीट करिए, आप अपने मुख्यमंत्री को ट्वीट करिए, आप जो आपके सांसद हैं, जो आपके मंत्री हैं, आप उनके पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम रखिए, तो उसको प्रॉब्लम के हल निकलेंगे, वही बड़ी बात है। यही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या सर, शुरू से बोलता आ रहा हूँ, किसान मित्रों से यही बोलता हूँ, किसान मित्रों से यही बोलता हूँ। जैसे कि पिपलिया मंडी की बात करते हैं, तो अभी थोड़ा बाइक वालों की थोड़ी समस्या हो रही थी, तो मैं वहाँ खड़ा था, ए शिवराज तर माँ का वीडियो बनावे नहीं, कल व्यापारी का बना गई। तो मतलब उन लोगों को ये समझ में नहीं है कि अपन अपने लिए जो काम कर रहा है उस व्यक्ति को तमीज से बात करना तो छोड़ो, अब बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। उन लोगों से मैंने एक ही बात बोली प्रेम से, भैया आपके चुने हुए नेता से ये बात अगर आप बोलना सीख जाओगे ना, तो आज ये लाइनों में खड़ा आपको नहीं रहना पड़ेगा। आज हम छोटे मोटे यूट्यूबर से कुछ भी बोल सकते हो और हमको ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। वो भी चाहेंगे, वो भी चाहेंगे, कुछ दिनों बाद वो भी कहेंगे कि नहीं काम तो आपने बढ़िया किया। जी वही किसान मित्र यही कहना चाहता हूँ, आपने चुने हमारे क्षेत्र के, जैसे कि हमारे विधायक महोदय जगदीश देवड़ा जी, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है, उनसे क्यों नहीं कहते कि आज मंडी की जो समस्या है थोड़ा सा इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, किस प्रकार की समस्या हो रही है, उनसे नहीं बोलेंगे, हमसे बोलेंगे। सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ शिवराज जी, उसका तरीका बताइए जी।
उसमें उनको बुरा नहीं मानी है, उनको तरीका बताओ जी, कि भाई ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जी 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 आप लोग ट्वीट करिए जी, आप अपने मुख्यमंत्री को ट्वीट करिए और विधायक तक अगर आपकी पहुंच है तो विधायक पे चले जाइए, वहाँ 5 आदमी 10 आदमी और तमीज से बात करिए उनसे, बताइए कि साहब ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल वो नहीं सुनते तो फिर आगे जाइए और ट्वीट तो करिए ही करिए, ट्वीट का तो जवाब उनको देना ही पड़ेगा सबको। सही बात है। और आप समझे, एक मंडी से महीने के 10,000 15,000 20,000 किसान तो जुड़ा ही होगा। बरोबर बरोबर। अब 20,000 किसान अगर रोज ट्वीट करता है, 20,000 किसान का मतलब एक परिवार में अगर 4 आदमी लगाओ तो 80,000 लोग हो गए जी। अब 80,000 पे एक एक हर आदमी पे लगभग 2 मोबाइल तो होता ही है जी, जी जी। हम एक ही लगा ले तो 80,000 मोबाइल हो गए जी। 80,000 मोबाइल का मतलब 80,000 ट्वीट अगर एक दिन में ज्यादा है जी, आप समझते हैं कि उनका तो वो है कि हो जाएगा सिस्टम जी। वो कहेंगे भाई ये कौन सी नई बला आ गई, पहले इसका काम निपटाओ। सही बात है, सही बात। चलो इन बातों को तो किसान मित्र से, जो किसान मित्र को सुनना पसंद है उनके ऊपर चलते अपन। राणा जी के चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था तो ये सबसे पहले आपने बताइए कि लहसुन के बाद एक और एक बड़ी खुशखबरी आप देने वाले किसान मित्रों को, थोड़ा सा वो खुल के बताइए सर, क्या खुशखबरी किसानों के लिए आने वाली एक और फसल के लिए। कल मैं बैठा था मंत्री साहब पे तो वहाँ मैंने एक और बात रखी, मैंने कहा जी एक ये और टॉपिक है इसके लिए अगर आप देख लें तो किसान आपको जिंदगी में धन्यवाद देंगे। सोयाबीन फसल? नहीं सर, मैं नाम कुछ भी नहीं बोलूंगा लेकिन एक नई मुद्दे में मैंने बात रखी है जी, और ऊपर वाले ने चाहा कि जब इस पे इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगा, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं इस पे देखता हूँ, जब लगेगा कि इस चीज पे कार्रवाई होनी चालू हो गई है तब मैं खुल के बताऊंगा, उसमें मैं कोई वो नहीं। उन्होंने तो इवन ये बात है कि ये तो तेरा काम भी नहीं है तो इसके लिए क्यों बोल रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा सर मेरा काम तो किसी भी चीज की ना है, मैं तो किसानों के साथ ही हूँ, किसानों के अंदर रहने वाला आदमी। अब वो लोग बेचारे उदास है तो उनकी बात रख दी मैंने, भगवान ने इतनी क्षमता रख दी, इतने बड़े आदमी के साथ बैठने का मौका दिया हुआ है तो साहब मैं चूकूं क्यों अपनी बात रखने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही है। हमारे लोगों की औकात थोड़ी ना है कि इतने बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठे, अगर भगवान ने क्षमता रखी कि इन मंत्रियों तक बैठो तो फिर वहाँ बात भी पहुँचानी चाहिए ना जी। ये किसान मित्रों का प्रेम और सपोर्ट है सर, तभी आज मंत्री लोग भी पास में बिठा के चाय वाय पिला रहे अपने को। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं मैं देखो जी, अब उन्होंने हंसते बोला ये तेरा काम थोड़ी ना, मैं सर बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन किसान इस मामले में बहुत उदास है घरों में, तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं। तो भगवान ने अगर चाहा उस पर अगर कार्रवाई चालू हुई जी तो मैं ओपन बोलूंगा जी, जी बताऊंगा, आप सब देखिएगा और ऊपर वाले ने चाह तो इस पर जरूर बात होगी, देखिएगा। बिल्कुल होनी है सर, जब पक्ष अगर बात रखते हैं तो वो चीजें उनके दिमाग में जाती है सर। असल में दिक्कत यह है कि हम लोग अपनी बात पहुंचा नहीं पाते सरकार तक, हमारे लोगों को तरीका नहीं पता सरकार तक बात कैसे पहुंचानी है जी। जिस दिन हम लोग सीख गए जी उस दिन आप देखिएगा कि सरकार सुनती है। सही है। कभी भी कोई राजा नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में कभी भी कोई हलचल हो या गड़बड़ हो जी। अगर मेरे को दर्द है पेट में और मैं अगर अपने माँ बाप को बोल रहा हूँ कि जी मेरे को पेट में दर्द हो रहा है तो ऑब्वियस है वो लेके जाएंगे डॉक्टर में, बरोबर आपको दवाई दिलवाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि मेरे बच्चों को कम से कम दर्द हो, जल्दी से जल्दी हो, दर्द ठीक हो, लेकिन उसका तरीका होता है बताने का। सही है। जी अब मेरे को मौका मिला तो मेरे को किसी ने बोला थोड़ी ना, और मैं उस फसल से कोई लिंक थोड़ी ना कोई लेन देन है, मैंने बात रखी तो सब मेरा क्या चला गया। अगर काम हो जाएगा तो भाई साहब आप लोग और सरकार और अच्छे से जुड़ जाओगे इकट्ठे, मेरा उस चीज को जोड़ने में मेरा क्या चला गया साहब, मेरे को उल्टा चाय भी पीने को मिली, बिस्कुट भी खाने को मिला और आपके वहाँ का नमकीन भी खाने को मिला वहाँ पे जी 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 जी। हाँ तो हमने उसी बात में बात भी रख दी। यही यही चीजें हैं, मैं किसान मित्रों से यही कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी काफी ऐसे, जैसे कि अपन बात कर ही रहे थे, चलो बात कर ही लेते हैं, आज मेरे मन की बड़ी इच्छा थी ये भी
कि हमारे क्षेत्र में चारों मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के। हाँ सर, चारों के चारों ही किसान है, किसान पुत्र है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, किसान है, किसान फैमिली से जुड़े हुए। तो ये जैसे कि जो जनता है, जो बीजेपी कार्यकर्ता भी है, वो भी किसान ही है, तो उनको क्यों दिमाग में नहीं आता है कि यार पिपलिया मंडी का विस्तारीकरण होना चाहिए, पिपलिया मंडी में अपनी जो लोकल जनता है। जी एक्चुअल में सर दिमाग में सत्य होता है, जी जी, लेकिन उन तक बात पहुंचानी है और उसको तरीके से पहुंचानी है। जी जी, एक होता है लड़के पहुंचाना, एक होता है गिड़गिड़ा के पहुंचाना, और एक होता है सम्मान के साथ जाके सम्मान से बात करना, सम्मान लेके आना। जी ये हमारे ऊपर हमने कैसे जाना है। जी जी, हम गिड़गिड़ा के जाएंगे तो भी कोई इज्जत नहीं है, जी, हम लड़ते हुए जाएंगे तो भी कोई इज्जत नहीं है, हम सम्मान के साथ जाके सम्मान से बात रखेंगे तो सम्मान मिलेगा हमारे को। सीधी सी बात, तो उनको भी तो चाहिए ना कि पब्लिक हमारे पास आ रही है, रिस्पेक्ट से आ रही है, तो अपने आप देखेंगे। बरोबर बरोबर बरोबर। तो अब चर्चा करते हैं लहसुन बाजारों की। तो वर्तमान में अगर इस सप्ताह में देखें तो बहुत ही अच्छी तेजी का मोमेंट बना हुआ है, 3,3500 रुपए थे की पक्की पक्की तेजी इस सप्ताह में देखने को मिली है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अभी 20-30 रुपए और बढ़ेंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, जी। जो हम 50 रुपए की तेजी पे थे जी, वो पूरी होगी ही होगी। अच्छा, जो घबराहट हल्की सी चाइना को लेके लोगों के मन में थी वो एक तो पहली बात निकल गई जी, दूसरी चीज सब जागरूक हो गए। अब कहीं भी कोई चाइना देखता है तो 2 मिनट में अपने विधायक को या पुलिस में फोन करता है कि भाई ये 2 नंबर का माल आया, इसको देखिए, और उस पर कार्रवाई होनी चालू हो जाती है। तो ये जो जागरूकता आ गई तो ये तो भाई साहब भले के लिए है ना, तो इससे 2 नंबर का आदमी घबराएगा। सही बात, काम करते हुए उल्टा। तो भाई साहब यही चाहिए था, ये हो गया, बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि 15 अगस्त की वजह से हो सकता रुका हुआ साहब, हो सकता रुका हुआ अगर, लेकिन अगर ये 2 नंबर में निकलता है जी, अभी तो सरकार ने सदन में बात हो गई, अब वहाँ से 101% आगे भी इम्प्लीमेंट होगा। बरोबर बरोबर, और उसके बावजूद आप लोग अपने कान आँख खुले रखिए। जी व्यापारी भाइयों को बोल रहा हूँ मैं, जी किसान तो अपने लेवल से चौकस है, लेकिन यहाँ व्यापारी भाइयों का रोल आता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कोने कोने में रिपोर्ट रखते हैं, अपनी रिपोर्टिंग रखते हैं। आप अपने कान नाक आँख खुले रखिए, जैसे कहीं दिखता है आप लोग बताइए, वो चर्चा करिए सबके बीच में। मैं इतना जानता हूँ, हम किसी पुलिस को ना बोल पाए, हम किसी पुलिस को ना बोल पाए, हम किसी को ना बोल पाए, विधायक को ना बोल पाए, अरे भाई उस मंडी का उसका नाम तो हम अपने ग्रुपों में डाल सकते हैं, जी फलानी मंडी में फलाने आरती में चाइना उतरा हुआ। जी जी जी, बस इतना डाल दो, उसी में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सामने वाले को जब जिन मित्रों ने स्टॉक कर रखा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का समय है उनके लिए। बिल्कुल सर, इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेचते चले जी, ये कोई कम रेट नहीं है। सही बात है, आगे हालांकि रेट बढ़ेंगे जी, नो डाउट बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा माल मैं यही कहूंगा कि धीरे धीरे बेचते चलना चाहिए, हर तेजी का लुत्फ उठाए। बिल्कुल, हर देखिए आप कहीं उसमें जाते हैं फंक्शन में, हर जगह का खाने का स्वाद अलग अलग होता है, तो आप मौज लो ना। बरोबर, हर तेजी का लुत्फ उठाओ, मौज लो जी, है ना। तो धीरे धीरे आदमी को बेचना चाहिए जी, तो धीरे धीरे जैसे कि बिल्कुल अपन जो पिछले साल के कगार पर जाने वाले हैं, धीरे धीरे जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सर, हम जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल करीबी है, लगभग मुझे लगता है 70-75% तो लगभग वहाँ पर है, हम आ चुके और 25% आ जाएंगे। अब तो सब बोलेंगे कि हम जा रहे, हम पहुँच जाएंगे वहाँ तक। बिल्कुल जी जी, आज यही बात अगर आज से महीना दो महीना पहले बोली जाती तो लोग सुनते नहीं, तो कहते नहीं यार एक टेंशन तो है चाइना की, चाइना अगर एक नंबर में माल आ भी जाता है इराक का, ईरान का, अफगानिस्तान का, तो साहब वो बहुत बड़ी ड्यूटियां दे के आ रहा है और पढ़ते नहीं आ रहे उनको, जी। और अगर उनको 200 रुपए से कम पढ़ता नहीं आ रहा
ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि भाई 150 किलोमीटर किसी में लसन हो बाल का तो मेरे को दे दो। अच्छा 10-20-50 कंटेनर का मैं ग्राहक हूँ। कोई कहता है कि मद्दा में माल मिल रहा है तो 150 रुपए किलो में मैं खरीदने को तैयार हूँ, एक नंबर का माल हो हम खरीद लेंगे। अच्छा इस बार आयात का डर भी नहीं है थोड़ा सा? आयात का ही तो बोल रहा हूँ। हाँ डर ही है ना, पीछे महंगा है वो 200-225 से कम पड़ता नहीं खाला तो कैसे आएगा माल। नहीं सर पिछले साल तो एक्सपोर्ट भी खुला था बांग्लादेश का और भी देशों में अपने देश का लहसुन जा रहा था, पर इस साल तो थोड़ा सुनने में भी नहीं आया बिल्कुल कि एक्सपोर्ट खुला है कहीं भी। सर एक बात बताओ, अगर महीने की 10-15 गाड़ी बांग्लादेश जाती भी थी जी या 20-25 कंटेनर भी लगा लो जी, क्या भी नहीं रुकता है। हाँ बहुत छोटा देश है, अपने हिंदुस्तान में इतनी खपत हो जाती है जी, उसका फर्क क्या पड़ रहा है अगर नहीं भी जाता तो? नहीं थोड़ा सा वो क्या था किसानों के मन में है या फिर जो व्यापारी है स्टॉकिस्ट इनके थोड़ा सा मन में वो एक पॉजिटिविटी रहती है कि यार एक्सपोर्ट खुला। बिल्कुल नहीं घबराइए, अगर एक्सपोर्ट नहीं भी जा रहा तो अभी हिंदुस्तान की लोकल बहुत डिमांड है जी। इस बार बीज की बहुत बड़ी डिमांड निकल रही है वो तो अभी देखने को मिल रही है सर मंडियों में। आप देखिए ना किसान अभी तक कितनी गाड़ी आप सोचिए ऊटी की बिक गई होंगी, नहीं करके 400-500 गाड़ी तो बिकी गई होंगी जी जी, चली रहा रेगुलर जो ये चलेगा सब अक्टूबर तक। हाँ तो आप देखिए जब ऊटी इतना बिक रहा है तो बाकी माल नहीं बिकेंगे जी, तो इस बार ऊटी की बुआई भी थोड़ी ज्यादा ही हो रही है सर क्या? हाँ। लगता है नहीं ऊटी की हो तो रही है जी, जी बिल्कुल बुआई ज्यादा हो रही है जी। हाँ चाहे महंगा बीज है पर किसान मित्र जो पिछले साल के भाव देख कर काफी ज्यादा नए नए किसान भी इस बार आगे ये बिक गया। हाँ जी जी, बाकी तो जी देखिए संभल के लगाइए, भले आप ऊँची लगाएं कुछ भी लगाएं जी, क्योंकि मैं उसपे कमेंट कहना अच्छा नहीं समझूंगा जी, जी। लोग मेरी कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगा कोई फायदा नहीं जी, है सबकी अपनी अपनी सोच है जी। हाँ अपने समझ से काम करें, क्योंकि कहीं ऐसा काम ना हो मैं आऊँ और लोग मेरे को चाय भी ना पूछे। तो सब अपनी अपनी समझ से लगाए, अगर कोई समझदार है अपनी अपनी समझ से आप लगाइए, अपनी अपनी समझ से आगे देखिए जी सर आपका। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है कीमती समय देने के लिए। ठीक है साहब, राम राम जी, काफी ज्यादा समय ले लिया मैंने आपका। राम राम सर। कोई बात नहीं, राम 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 साहब, राम राम।